हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल सोमिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे पास है ये 3.5 mm का ऑडियो जैक। तो इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें से राइट लेफ्ट माइक्रोफोन और ग्राउंड का जो वायर है वो कौन कौन से हैं। तो समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि ये है जो 3.5 mm का जैक है, जो सैमसंग कंपनी के ईयरफोन का है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि ये सैमसंग कंपनी का ईयरफोन है, तो उसका ये 3.5 mm जैक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये चार अलग अलग कलर के वायर लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि इसमें से ये जो वायर है माइक लेफ्ट राइट और ग्राउंड के, इनमें से कौन कौन से हैं। ये आप जो पिन के साइज देख सकते हैं कि ये पिन किस किस के लिए यूज होती हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का ये है। तो दोस्त, सबसे पहले यदि हमको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये इसमें कौन सा राइट लेफ्ट ग्राउंड और माइक का है, तो हमको मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी। तो दोस्त, यदि आपको लगता है कि मेरे पास मल्टीमीटर नहीं है, यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से बिना मल्टीमीटर के भी ये चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये मल्टीमीटर, ये आप ये देख सकते हैं कि ये जो हम डायोड चेक करते हैं जिससे ये बजर का साइन बना हुआ है, तो इसको हमको ऑन करके इस पर सेट कर लेना है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। तो जब जैसे ही हम इसको टच करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें बजर की बीप आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो मोड है, इससे हम किसी भी वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो आपको सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, ये लेफ्ट का है, और इसके नीचे वाला है राइट, और इसके नीचे वाला है ग्राउंड, और ये है माइक, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से है। फिर से बता देता हूँ, ये लेफ्ट राइट ग्राउंड और माइक का। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो हमारे लेफ्ट वाला रिंग है, तो सबसे पहले इसमें हम लगाते हैं एक वायर, ठीक है, और उसके बाद हम लगाते हैं, इनमें से हम चेक करना है, सब में हम एक एक बार टच करके देखेंगे। तो दोस्तों, अब ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये इसमें इंडिकेट करने लगा है, देखिए आप, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं राइट वाला, ठीक है, ये लेफ्ट वाला हो गया, अब ये राइट वाला है। तो ये जो रेड कलर का है, ये हमारा राइट वाला वायर है, ये देख सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है ग्राउंड वाला। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, अधिकतर जो ग्राउंड वायर होता है वो कॉपर वायर होता है, सेम वही होता है, उसी कलर का दिखता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो वायर है यही ग्राउंड है, ठीक है। तो उसको हम जैसे ही टच करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये बताने लगा है, ठीक है ना। तो इसमें शो कर रहा है, बीप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको लास्ट चेक करना है माइक का, ठीक है। तो माइक का चेक करने के लिए हम सब एक बार करके देख लेंगे ये। तो आप ये देख सकते हैं, ये हल्का सा ब्लैक कलर का ये जो वायर है, ये माइक वाला वायर है, ठीक है। जैसे मैं आपको टच करके बता दे, तो ये, तो आप ये देख सकते हैं, इसमें ये ऑटोमेटिक अपन को बता रहा है, ठीक है ना, बीप आपका शो कर रहा है। तो दोस्त, एक चीज़ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ, कभी क्या का क्या होता है, जब हमारा ये जो ऑक्स केबल, जो 3.5 mm का जो हमारा ये सैमसंग का जैक है, तो इनमें होता ये है कि यदि हम ग्राउंड में लगाते हैं, ठीक है ना, यदि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो ग्राउंड का है, यदि हम इस ग्राउंड में लगाते हैं और सभी जो तार हैं इनमें कंटिन्यूटी आती है, तो उससे होता ये है कि हमको पता लग जाता है कि हमारा शॉर्ट हो चुका है, तो ये जो हमारा 3.5 mm का जैक होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो बताई है। यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, यदि आप कमेंट करते हैं, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका भी इसको चेक करने का बता दूंगा। तो दोस्त, यदि ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो उसके बाजू में घंटे का बटन है, तो उसको आप ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, तब भी मैं वीडियो डालूं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।